दोस्तों, एंटरटेनमेंट जगत से बुरी खबरें आने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ महीनों से दिग्गज और युवा कलाकारों के निधन और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कुछ कलाकारों पर जांच की तलवार तो कभी आर्थिक परेशानियों से कलाकारों का निधन को गले लगा रहा। अब बॉलीवुड, टॉलीवुड और टीवी शोज में काम करने वाली अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा पर हमले की खबरें सामने आई हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालवी मल्होत्रा पर चाकू से हमला किया गया है। खबर है कि ये हमला उनके किसी पुराने दोस्त ने ही किया है। जी हां, हमलावर ने अभिनेत्री पर 4 बार चाकू से वार किया है। हमले में घायल होने के चलते एक्ट्रेस को मुंबई के धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घायल अभिनेत्री की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार हमलावर की दोस्ती एक्ट्रेस से फेसबुक के जरिए हुई। खुद को प्रोड्यूसर के रूप में परिचय कराने वाले योगेश और मालवी की मुलाकात एक बार ही हुई है। सोमवार को योगेश अपनी कार से मालवी के घर के बाहर नजर आया। उसने घर से बाहर निकली मालवी को रोकने की कोशिश की। एक्ट्रेस ने इसका विरोध किया तो योगेश ने 4 बार चाकू से हमला किया और फरार हो गया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार इस हमले को लेकर मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि मामला एक तरफा प्यार का है। हालांकि पुलिस पूरी जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। हमले वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को अहम जानकारी मिली है। अभिनेत्री या उनके परिजनों की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि मालवी ने डीएवी CPS स्कूल मंडी से स्कूली शिक्षा ली है। मुंबई से एक्ट्रेस ने 6 महीने का अभिनय कोर्स भी किया है। कविताएं लिखने की शौकीन मालवी मलयालम, तेलुगु और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी है। मालवी ने बॉलीवुड मूवी होटल मिलन, तेलुगु मूवी कुमारी 21F और तमिल फिल्म नद्दीकु एनडी में भी काम किया है। एक्ट्रेस ने कलर्स टीवी पर शो उड़ान में काम करने के अलावा कुछ टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स में भी काम किए हैं। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।